बहुत समय पहले की बात है, एक बार ऐसा हुआ कि एक पंडित जी थे। पंडित जी ने एक दुकान के पास जाकर 500 रुपए रख दिए। उन्होंने सोचा कि जब बच्चे की शादी होगी तो पैसे ले लेंगे। थोड़े दिनों के बाद बच्ची सयानी हो गई तो पंडित जी उस दुकानदार के पास गए। उसने नकार दिया कि आपने कब पैसे हमें दिए थे। उसने पंडित जी से कहा कि क्या हमने कुछ लिख कर दिया था आपको। पंडित जी इस हरकत से बहुत परेशान हो गए और चिंता में डूब गए। थोड़े दिन के बाद उन्हें याद आया कि क्यों ना राजा के पास जाकर इस दुकानदार की शिकायत कर दें ताकि वे कुछ फैसला कर दें और मेरा पैसा कन्या के विवाह के लिए मुझे वापस मिल जाए। वे राजा के पास पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई। राजा ने कहा, हमारी सवारी कल निकलेगी, तुम उस लाला की दुकान के सामने ही खड़े रहना। नियत समय पर राजा की सवारी निकली। सभी लोगों ने फूल मालाएं पहनाई, किसी ने आरती उतारी। पंडित जी लाला की दुकान के पास खड़े थे। राजा ने कहा, गुरु जी आप यहां कैसे? आप तो हमारे गुरु हैं, आइए इस बग्घी में मेरे साथ बैठिए। लाला जी यह सब देख रहे थे। उन्होंने आरती उतारी, सवारी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने पंडित को उतार दिया और कहा, पंडित जी हमने अपना काम कर दिया, अब आगे आपका भाग्य। उधर लाला जी यह सब देखकर हैरान थे कि पंडित जी की तो राजा से अच्छी सांठगांठ है, कहीं वे हमारा कबाड़ा ना करा दें। लाला जी ने अपने मुनीम को पंडित जी को ढूंढ कर लाने को कहा। पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठे कुछ सोच विचार रहे थे। मुनीम जी आदर के साथ उन्हें अपने साथ ले आए। लाला जी ने प्रणाम किया और बोले, पंडित जी हमें माफ़ कर दीजिए, हमने काफ़ी श्रम किया और पुराने बही खाते देखे तो पाया हमारे खाते में आपके 500 रुपए जमा हैं। पंडित जी 10 साल में मैं ब्याज के 12,000 रुपए हो गए। पंडित जी आपकी बेटी हमारी बेटी है, अतः 1,000 रुपए आप हमारी तरफ से ले जाइए तथा उस लड़की की शादी में लगा देना। इस प्रकार लाला जी पंडित जी को 13,000 रुपए देकर प्रेम के साथ विदा किया। जब मात्र एक राजा के साथ संबंध होने भर से विपदा दूर हो जाती है तो मित्रों, हम सब भी अगर इस दुनिया के राजा परमात्मा से अगर अपना संबंध जोड़ लें तो आपकी कोई समस्या, कठिनाई या फिर आपके साथ अन्याय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, है ना सच कि नहीं? आपकी हमारी जान पहचान किससे है? आपकी हमारी जान पहचान भगवान से है। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सब इस कहानी में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जय हिंद दोस्तों।